तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, बस दो चीज की कमी रह गई है। कहाँ है बब्बा? दिखा बब्बा है। किसका बब्बा है? फिर लड़ोगे नीचे जाकर। तो ये देखो जीव का रास्ते में भी डांस। हे गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत आप सभी लोगों का फिर से एक नए दिन के साथ एक नई ब्लॉग पे, सोर घाटी पिथौरागढ़ से, मेरे यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग पे। तो आज है स्पेशल डे, करवा चौथ। तो सभी शादीशुदा महिला एवं पुरुषों को मेरी ओर से हैप्पी 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 करवा चौथ। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सिंपल सा ही है। इस बार ऐसा ही हो गया, बुआ की डेथ हुई है, तो अगर मैं नहीं रखती हूँ तो छूट जाएगा। तो मैं रख रही हूँ, बट सिंपल तरीके से करूँगी मैं, जो अपना जो भी मैं करूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी ऐसे घुमाई जी को और की थी कि घूमना है, गोलगप्पे खाना है, तो मैं इनको घुमा के लाती हूँ। तो बने रहे आप लोग मेरे वीडियो पे, मैं दिखाती हूँ कि आज का मेरा ये सिंपल सा करवा चौथ कैसा रहता है। तो मैं तो तैयारी हूँ, ये लोग तैयार हो रहे हैं, फिर जाते हैं हम लोग। तो ये देखो जीव का रास्ते में भी डांस। पार्क में झूला झूलने वाला, पर यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। चलो वहां ताला लगा, कहाँ जाए। तो अभी हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने GIC रोड पे। ये है कॉलेज। तो जियो को और की थी कि गोलगप्पे खाना करके, और मेरा भी बहुत मन है क्योंकि व्रत के दिन आज तो एक तो पूरा दिन भर कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो मन बहुत हो रहा है। तो मैं एक बार पूछूंगी अंकल जैसे कि इसमें, अंकल जी हल्दी और लहसुन वगैरह तो नहीं पड़ता है ना? हाँ, तो बढ़िया हो गया। अब मैं घर के लिए अपने लिए भी लेके जाऊंगी, बाद में व्रत तोड़ के खाऊंगी मैं भी। तुम लोग निकलो, खाओ, तुम लोग खाओ, यहाँ तुम लोग यहाँ पेट भर के खाओ। अंकल जी इसके लिए मीठा कर देना। हाँ तो ये ना गोलगप्पे अच्छा मानती है, बड़े मजे से बैठ के खा रही है यहाँ पे। आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा आप ही आप खाओगे? बबलू चाचू और मैं? नहीं नहीं, तीस कहा अच्छा मेरे को भी ले लेना। ये है गोलगप्पे। तो घर पहुंच गए हैं, और घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, बट फोन में थोड़ा उजाला आ रहा है, अंधेरा ही हो गया। तो घर में पहुंच गए हैं। पता नहीं मम्मी ने सब्जी क्या काटी है, सब्जी वगैरह ना काटते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ही नॉर्मल सा खाना उसकी तैयारी करते हैं, बनाते हैं। और मैं इतनी बेवकूफ हूँ ना, रुक जाओ खूबती हूँ। मैंने जो साड़ी दी थी बनवाने, जो मैं पहनने वाली हूँ, वो अभी तक का मैं लाई नहीं हूँ। तो अब मैं जाती हूँ एक बार लेके आती हूँ, वो पड़ोस में ही दे रखी थी, तो मैं एक बार लेके आती हूँ, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को
कौन सी साड़ी है? तो ये है साड़ी और ये है इसका ब्लाउज। ब्लाउज पता नहीं कैसा बनाया है, मैंने अभी देखा भी नहीं है। बार का करवा चौथ थोड़ा रुखा सुखा सा ही हो गया है, मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ करने जैसा है नहीं मंदिर में। बिना पूजा पाठ करे बिना प्रसाद चढ़ाए तो मन भी नहीं करता है। तो सब लोग औरतें सजे हुए थे अच्छे अच्छे, मतलब थोड़ा सा उनको देख के होता है कि काश हम भी करें ना। मेहंदी लगाई देखो, ये कुछ भी नहीं, तो ऐसा ही है। फिर आखिरी में सब्जी, ये आलू बॉईल किए हुए हैं और ये चमचूर है। ऐसा ही खाना खाना है विराज। मैं तो खाने की इतनी शौकीन हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो अच्छा अच्छा खाना चाहिए तभी खा आगे ऐसे फूल रही हूँ। ऐसे में हम लोग खाना ऐसे बना रहे हैं ना, पहले तेल गरम कर ले रहे हैं, थोड़ा मिर्ची पहले डाल लिया था हमने, तो इसे अब ठंडा होने देंगे, फिर हम सब्जी डालेंगे इसमें, सब्जी फिर भुनेंगे। तो मैंने आटा भी गूंद लिया है। होने लगे हूँ मैं तैयार, साड़ी पहनी है बस, जेवर पिछोड़ा नहीं ओढ़ूंगी, टीका नहीं लगाऊंगी, और जो हम पहाड़ियों की शान है पिछोड़ा और टीका, बिना उसके श्रृंगार अधूरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं तो बिना टीके और बिना पिछोड़े के मैं सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो उसी से ही चार चांद लग जाते हैं हमारे श्रृंगार पे। तो आज अभी कहाँ बनी हो, तैयार हो रही हो अभी, बस फिर दिखाऊंगी तुझे मैं। तो मैं सारे जेवर नहीं पहन रही हूँ और कान के मेरे पूजन नहीं जा रहे हैं, तो मेरे पास से आर्टिफिशियल थे ये वाले, तो ये वाले पहन रही हूँ मैं। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, बस दो चीज की कमी रह गई है। और ये देखो मेरे पति देव ऐसे सोए हुए हैं, दांत दिखाते हुए वहां पे, दांत ही दांत चमक रहे हैं। उठो तैयार हो जाओ थोड़ा बहुत। तो अब बस चांद का इंतजार है, एक चांद तो यहाँ पे लेटे हुए हैं, इनके ऐसा कह के तो भाव ही बढ़ रहे होंगे। मनीषा रोटी बनाने लग गई है, चांद अभी आया नहीं है। ये ना अच्छी रोटी बनाती है लेकिन बढ़िया ना बता। और हमारी सब्जी है। तो ना गाइस आ गया है चांद, तो थोड़ा ऊपर ऊपर आने देते हैं, ही करते हैं पूजा। तो कई जगह शंख भी बजने लग गया है, तो ये है पिथौरागढ़ का रात का टाइम का व्यू। तो कहीं कहीं शंख बजने लग गए हैं, तो अच्छी तरह आने देते हैं पूरा चांद आ। तो ये चांद भी आ गए और ये चांद भी चुप की रो कह रहे बिना हाथ मुंह धोया आया हूँ करके, तो कौन देख रहा है, रात का टाइम है चलेगा ऐसे। तो ना गाइज मेरी फ़ोन की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, तो मैं जूम करके आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, अगर जूम करूँगी तो ये फट जाएगा। तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा शंख की आवाज़। अब हमारा तो ऐसा कुछ करना है नहीं, बस मैं फूल और चावल से पूजा कर लूँगी। तो इनको भी भूख लग गई है, मेरे पति देव ने भी मेरे लिए व्रत रखा है। तो इनका भी व्रत था, कुछ नहीं खाया बेचारों ने। तो ना ये लोग भी आ गए हैं मेरी वीडियो बनाने के लिए, दो मैंने और रखे हैं, आपने क्या बोलते हैं असिस्टेंट। तो अब कुछ ज़्यादा ही शंख वंख बजने लग गए हैं, हमारा तो नॉर्मल सा होगा। लो यार अब मैं भी करती हूँ पूजा, फिर पानी पीती हूँ, मुझे तो पानी प्यास लग गई। लो कोई मेरी गोलगप्पे की भूख जो समझती है क्यों नहीं है रखे हैं, तो 50 के लेके आई हूँ।
फिर लड़ोगे नीचे जाके। तो खींचने के लिए तो भी आड़े आड़े फोटो उसमें वीडियो बन रही है। तो यहाँ पे चल रहा है वीडियो शूट। कहाँ है पापा? दिखा किसका पापा है? मुझे अपना बड़ा क्या खिला दिया तो खाना तो खा लिया, आधा पेट खाया क्योंकि गोलगप्पे बचे हुए हैं। तो एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ फिर खाते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के फिर मुझे लाने में देना है। खाना खाने के बाद हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। तो खा लिया है गोलगप्पे से भी पेट भर लिया है। सबसे ज्यादा इसने खाया, वहां भी खाया यहाँ भी खाया। तो ऐसा ही रहा फिर आज का करवा चौथ। और मिलती हूँ मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले बाय। एंड प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। मेरी मम्मा के भी वीडियो को बोलो, मेरी मम्मा की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बोलने दे रहा यार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।